सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं बनारस में बिछेगा फोनलाइन सड़कों का जाल, शहर में प्रवेश से पहले दिखेगा काशी का प्राचीन वैभव। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी बनारस को एक डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और बनारस के चारों तरफ फोनलाइन सड़कों का निर्माण कर इसको डेवलपमेंट एक स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा बनारस को। हाँ दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रवेश मार्गों को फोनलाइन बनाकर सवारने का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों, जो DPR है इसको अधिकारियों ने उसको अंतिम रूप दे दिया गया है और बहुत ही जल्द दिसंबर तक इस परियोजना की सौगात काशीवासियों को मिल सकती है। सितंबर के अंत, ये सितंबर चल रहा है, अगस्त चल रहा है और सितंबर के माह तक काशी वालों को और जो बनारस वाले हैं उनको इसकी सौगात मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत योगी आदित्यनाथ ने जितने भी वहाँ के विश्व मंदिर है उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिया जा रहा है, क्योंकि बनारस को एक स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि ये शहर के बाहर नेशनल हाईवे को फोनलाइन जोड़ने के बाद अब शहर के भीतरी जगहों पर भी फोनलाइन सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी चल रही है। इसमें रोहनिया से बोलिया, सारनाथ से काजीपुर मार्ग और पड़ाव से कजाकपुर तक की सड़कों को फोनलाइन किया जाएगा। हाँ दोस्तों, और इन फोनलाइन जो सड़कें हैं इनके पास छोटे छोटे उद्योग का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे बनारस के लोगों को इसका जो लाभ है वो मिल सके। और आगे बढ़ते हैं, रिंग रोड के जरिए आजमगढ़ सहित अन्य मार्गों पर भी लोग आरामदायक सफर कर सकेंगे। ऐसे में अब प्रयागराज, चंदौली और काजीपुर से आने वाले लोगों को सुंदर प्रवेश द्वारा काशी के विश्वास की कहानी बताई जाएगी। हाँ दोस्तों, इसी तरीके से जो काशी है, काशी की जितनी भी सड़कें हैं उनको रीडेवलपमेंट किया जाएगा और नए सड़कों का भी निर्माण कर फोर लेन में तब्दील कर दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।